और इस सब अभी जो मैं बात कर रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद फाटा की जो कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं ये 6 से बढ़कर 12 हो जाएंगी, केपीके असम्बली में 16 से बढ़कर 24 हो जाएंगी। फेडरल लेवल पर कौमी सियासत पर आप क्या समझते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा? जाहिर है फाटा से जो भी जीतता है हुकूमत में शामिल होता है, तो अब जब सीटें बढ़ने से आप समझते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में अगर बड़े पैराए में इसको देखा जाए कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखें, एक तो हमने ये तसव्वुर कर लिया हुआ है कि जमहूरियत या इलेक्शन जो है ये अमृत धारा है और ये अगर शुरू कर दिया जाए तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। 1968 में ऑर्डिनेंस 2 आया है बलूचिस्तान में और 5 इसी तरह की एजेंसियां वहां होती थी। चागी था, सिब्बी डेरा बुकटी और कोलू था, योप था, क्वेटा पशीन की एजेंसी थी। ये सारी की सारी आज 49 साल से पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं। वहां इलेक्शन हुए, सब कुछ। क्या वहां की खानदगी शरह बढ़ गई? क्या माएं जो हैं वो बाहर निकल आए अपने बच्चों को लेके स्कूल में दाखिल करने के लिए? क्या वहां डॉक्टर ज्यादा हो गए? हमने ये तसव्वुर कर लिया हुआ है कि चूंकि 4 लोग अगर असेंबली में पहुंच जाएंगे तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से एक हुन बरसना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई सिस्टम भी तो मौजूद नहीं है ना, उसी सिस्टम के मुताबिक, जमहूरी सिस्टम के मुताबिक रहते हुए हमें। मैं अर्ज करता हूँ, अमेरिका है ना जी, अमेरिका के अंदर 365 रेजर्वेशन रेड इंडियंस की। वो कहते हैं कि हम अपने कानून के मुताबिक जिंदा रहना चाहते हैं, उनको 365 के मुताबिक जिंदा रहने का पूरे का पूरा हक दिया जाता है। आप अंदाजा करें, कानून की जो बुनियादी किताब है ना वो इस लफ्ज से शुरू होती है कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। पहला लफ्ज हमें कानून में पढ़ाया जाता है कि कानून लोगों के रस्म और रवाज से जन्म लेता है। अंग्रेज ने भी यही किया था वहां पर, लेकिन मसला सारा यह है कि हमने उसको एक्सप्लॉइट किया किसी और तरीके से। सही, हमने उनको जिरगा लॉ खत्म किया और उसकी रिप्लेसमेंट हमने दी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, जिसमें साइकिल की बत्ती का चलान होते हुए बंदे की नौकरी चले जाती है। जबकि जो जिरगा लॉ है दुनिया के अंदर, अगरचे उसको सही इस्तेमाल किया जाए, जो इंसान सदियों से इख्तियार किया था, वहां टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कोर्ट होती है। झूठा गवाह जिरगे में पेश नहीं होता, बस लोगों को पता होता, वो उनका एक चला आ रहा था। या तो आप उसको बतदरीज को तरीकेकार करते, अब होगा क्या कि ये सारे के सारे लोग जहां आके बैठ जाएंगे और असेंबली के अंदर वो बुनियादी तौर पे कहेंगे कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये, अब मिलेगा उनको नहीं कुछ। इसलिए कि अगर आपकी नीयत ठीक होती, आपको किसने रोका था वहां तरक्की करने के लिए और आपको किसने रोका था स्कूल खोलने के लिए? और अगर आज आप असेंबलियों में आके बैठ जाएंगे तो क्या लोग घरों से निकल खड़े होंगे कि आज हमने बच्चों को स्कूल दाखिल करना है? बिल्कुल सही, आज भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और ये साहब, फाटा के लोगों में आज भी एहसास महरूमी है, लड़कों के स्कूल खुले हैं तो लड़कियों के बंद है। यही से अंदाजा लगा लें, जो जिला खैबर एजेंसी का डिप्टी कमिश्नर है वो पिशावर में बैठता है, जिला और एजेंसी का डिप्टी कमिश्नर हंगू में बैठता है, जिला वजीरिस्तान का टांग में बैठता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब डिप्टी कमिश्नर्स जी जो है वो अपने जिलों में नहीं बैठेंगे, लोगों के मसाइल नहीं समझेंगे, तो एक आम आदमी का जो ट्रस्ट लेवल है वो कैसे बढ़ेगा? आप देखें ना, आज भी आईडीपीज जो आकर बसे हुए हैं पिशावर में, कोहाट में, वो वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे वो? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने गुज़श्ता 70 साल में क्या दिया है, और क्या आप मुझे ये बताइए क्या उनके जिरगा सिस्टम ने रोका है उनको? नामुमकिन में से है। मैं मुझे याद अच्छी तरह कि जिस जमाने के अंदर अंग्रेज वहां पर ये काम कर रहा था उसमें बलूचिस्तान के अंदर, तो ये सारे के सारे लोग उसके साथ खड़े होकर ट्रेन बिछाई है, कबायलियों के साथ मिलकर उसने बिछाई है। ठीक, कोल माइंस कबायलियों के साथ मिलकर बनाई है, कॉलेज स्कूल सारे उसने कबायलियों के साथ मिलकर बनाए। मसला यह है कि हमारी तो नीयत ही नहीं थी शुरू दिन से। और अगर ये असेंबली में आ जाए, मैं आज लिख के देता हूं कि महरूमी में ज्यादा इजाफा होगा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि तकलीफ में भी इजाफा होगा। और तकलीफ में इसमें बात में इजाफा होगा कि पहले तो हम उनको रोज रो के चुप करा लेते थे पाकिस्तान के सारे लोगों को कि ये कबायली हैं, ये तरक्की नहीं करने देते, या हम पैसे कैसे लेके जाएं, या हम सड़क कैसे लेके जाएं, ये खुद रुकावट बनते हैं। अब तो कहेंगे हम तो MNA हैं, फिर तुम्हारी सड़कें कहां चलेंगी, फिर तुम्हारे कॉलेज कहां चले गए? केपीके के आवाम ने दूसरी बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। अब अगर उन्हीं की हुकूमत में आते हुए ये इंतखाबात होते हैं तो आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत
ख्याल करेगी। जाहिर है जो तरक्याती काम उन्होंने केपीके में किए हैं, जाहिर है हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक ही सूबे के अवाम ने इस तरह दूसरी दफा केपीके में किसी भी हुकूमत को इलेक्ट किया हो। तो आपको नहीं लगता कि तहरीके इंसाफ इन चीजों का ख्याल रखेगी? अगली दफा भी तो उन्होंने जाहिर है इलेक्शन में जाना है ना, वो तरक्याती फंड देंगे, काम कराएंगे, जो काम वो केपीके में करा रहे हैं अपने ताई, तो तहरीके इंसाफ कोशिश करेगी? देखिए अभी तक तो इलेक्शन हुए नहीं। मेरा तजर्बा बुनियादी तौर पर कबायली माशरे के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का यह है कि ऐसी दुश्मनियां पड़ती हैं, ऐसी दुश्मनियां पड़ती हैं कि हजारों हजारों कत्ल हुए। आप अंदाजा करें बलोचिस्तान की कोई दुश्मनी उठा लें आपको इलेक्शन को उसका रूट काज मिलेगा। नवाब रईसानी और रहिंद की जो आपस में झगड़ा हुआ था, जहां सरदार चितोई मारा गया था और उसके बदले में नवाब रईसानी को मारा गया, यही इलेक्शन से हुआ। उसके बाद भुक्ती और उसकी अपना रईसानी की लड़ाई देख लें, वो भी इसी से हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आर्या मकबूल जान साहब आपका।